चास नगर निगम के वार्ड नंबर 34 में नाली का पानी सड़क पर आ जाने से यहां के मोहल्लेवासी काफी परेशान हैं। इस मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद अमरीत सिंह भाटिया उर्फ काका ने बताया कि यहां पर काफी समस्याएं हैं। नाली का पानी रोड पे आ जाने से काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर हमने नगर निगम के नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा है, जाकर मिले भी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग सड़क जाम करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर मोहल्लावासी मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया, खासकर महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। नाली का जितना पानी सब रोड पर जमा हो जाता है, जिसके कारण महिलाएं पूजा पाठ करने भी नहीं जा पा रही हैं। श्री तिवारी ने कहा कि सांसद प्रतिनिधि ने भी नगर निगम को पत्र दिया, सांसद जी का भी पत्र गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मोहल्लावासी मनोज के अलावा कई लोग मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। ये कौन सा वार्ड है, क्या समस्या है आप लोग की? वार्ड नंबर 34 है, इसमें नाली की बहुत समस्या है और रोड में पानी आ जाता है, जिसके चलते आने जाने वाले को हमेशा दिक्कत होती है। बेचारे ये मोहल्ला वाले पूरे परेशान है, ये सबको बोल बोल के थक गए, इसका कोई सुनवाई नहीं। आप लोग ने नगर निगम के नगर आयुक्त से मिला? नगर आयुक्त के पूरे आदमी ने आके, उनकी टीम ने देखा है इसको, एक बार नहीं तीन तीन बार आके देखा, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे मोहल्ला अगर इसके लिए नहीं जल्दी सुना गया तो ये जरूरी होगा कि हम लोग को रोड में आना होगा और हम लोग डीसी के पास जाएंगे। अगर आगे जाना पड़ा तो तब भी जाएंगे। इसके लिए हम लोग यही नगर से ये हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारी पब्लिक को देखा जाए, क्योंकि मेरे वार्ड नंबर 34 में बहुत समस्या इस रोड का, क्योंकि ये देखिए आम पब्लिक को दिक्कत होता है। किसी की बहू बेटी बहन पूजा करने जाती है तब भी इस कचरा से पार होकर जाते हैं। नगर निगम को आप लोगों ने लेटर दिया, तब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई नहीं, लेटर के बाद क्या, नगर निगम होल्डिंग टैक्स लेता, सफाई कर्मी नहीं आता। आपके सामने आप देखिए इसको क्या हाल है, कचरा निकाल के रोड में रख जाते हैं। हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। इसके लिए हम लोग को अगर रोड में आना हो, हम रोड में भी आएंगे, रोड जाम कर देंगे इसके लिए भी। और एक बार समस्या बताइए, ये वार्ड 34 है, इस रोड को बने हुए लगभग 25 वर्ष हुआ, दोबारा मरम्मत नहीं हुआ। पाइपलाइन गया, रोड को काट दिया, लेकिन आज तक उस रोड का मरम्मत नहीं हुआ। ये नाली बने हुए 15 साल हो गया, आज तक दोबारा नाली को देखा नहीं गया। यहाँ पर पीछे करीब करीब 400-500 आदमी का घर है, जिसका पानी इसी नाली से निकलता है। पहले इसका कुछ भी देखा नहीं गया, उधर से और मोटा मोटा पाइप ला करके जो लाई नाला जोड़ दिया गया। हम लोग का ये कहना है कि जैसे पानी पड़ रहा है तो रोड पर 6 इंच तो कीचड़ लग जा रहा है, जिसके चलते बच्चा लोग को बस में चढ़ाना मुश्किल है, वो लाने के समय लाना मुश्किल है। क्या मांग करेंगे आप नगर आयुक्त, नगर निगम से, ईआरटीसी से यहाँ के? जी हमारा मांग तो सर ये है कि हमारा जो एमपी का रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव है, लिख के पढ़ के हम लोग वहाँ जा करके कई दफा गए, लिख पढ़ के दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं सांसद प्रतिनिधि का भी कोई है? कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सांसद प्रतिनिधि नहीं, सांसद का भी पेपर गया हुआ है उनका, कि इस पर कुछ जो है निर्णय लिया जाए ताकि लोग को राहत हो, कोई सुनवाई नहीं है। अब हार थक करके हम लोग को एकदम रोड पर आना ही होगा हुजूर, अगर ये काम नहीं होता है तो। क्या नाम हुआ आपकी? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार तिवारी है।